ओ तेरी खैर हो, ये क्या किया तूने? गाइस मुझे लगता है इन्होंने ना हनी के ऊपर हमला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे। आओ, ये क्या किया तुमने टिंकू? हैं, व्हाट हैव यू डन? गंदे आ जा तुमने यार, क्या कर दिया यार? ऐसे सारा का सारा पट्टा ना उतार के। चुप, तुम्हें क्या हो गया? असल में ना बारिशें, हाय हाय यार क्यों खप डाल रहे हो बच्चों। अच्छा गाइस, जब से बारिशें होती है ना तो फिर क्या होता है, जो वुड होता है ना वो फूलने लग जाता है, उसकी वजह से ना ये बाहर को निकल आया। बहरहाल हमारे टिंकू और कांता भाई जो है ना सेटल हो गए हैं। आ जाओ जी, सारे के सारे बाहर आ जाओ। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस मुल्तान में ना आमतौर पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है इन दिनों में, लेकिन यार मौसम इतना ज्यादा ठंडा हो गया ना ऑल ऑफ अ सडन। देखो कबूतर भी सारे के सारे ना धूपो धूपो सेकने लग गए हमारे जैक को छोड़ के, क्योंकि जैकी पोटैटो जो है ना वो अद्धा इंसान है। हाँ जी जी, क्या हाल है बेबी? कोई और निकला है? ओ तेरी गैर आराम से आराम से आराम से आराम से, सॉरी यार सॉरी, फटाफट मैं अंदर गया हूं ना उसके बाद चला गया। यार गाइस ये देखो दो बेबीज निकले हैं, और ये देखो कितना बड़ा हो गया यार। ये देखो ये वाला भी निकला है, और मेरा ख्याल है कल ही निकला है, कल रात को निकला है। और ये देखो फोटा कैसे भरा हुआ है इसका, बिल्कुल हेल्दी है यार बेबी। चलो जी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रोज एंड सिसेस, हमारे पास दो छोटी बहू बेबी हो गए हैं लखों के। यार जैकी तू भी दे देना छोटी बहू बेबी। हैं 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 छोटी बहू, नहीं 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 गंदिया ना काटना, गंदिया दे देना कुछ छोटी बहू बेबी। हैं नहीं देना भाई, वो कह रहा मैंने नहीं देना अभी। जा भाई फिर जा, उधर जा, भाग जा। आगे जी आगे 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 आगे, सबर करो सबर करो। आ जाओ जैकी से बच के, जैकी एक मिनट, अबे इधर आना, ये ले मैंगो बोलो। गालो, 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 गालो। देखो गाइस कैसे इसको मैंगो बड़ा पसंद है, एक मैंगो और एक एप्पल्स बहुत शौक से खाती है ये। अच्छा यार जरा मोनिका का ना कमरा भी हम जरा चेक कर लें गाइस। हमने ना ये स्टेयर्स बनाई तो थी, लेकिन यार ये टिकी नहीं है ज्यादा देर, सारी की सारी इसने लटक लटक के ना बेड़ा कर दी है, टेढ़ी मेढ़ी कर दी है। और यार मैं एक और बात भी सोच रहा हूँ कि मोनिका के जो केज है ना, जो इसका घर है, इसके अंदर ना सारे को पेंट करूँ, ताकि ना इसका भी कलर ना थोड़ा सा पॉप आउट होके आए। अभी ना बहुत ही मट्ठा कलर है, बहुत ही डल सा कलर है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता इस रंग का। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके पूरे घर को ना गाइस मेक ओवर देते हैं। जैकी की मसला दिनों पीछे पीछे मेरे फिर रहे हैं, इधर आ जा अभी देखना, पीछे पीछे आएगा, पीछे पीछे आएगा। मैं इधर बैठ जाऊंगा, इधर आ जाएगा मेरे पास। आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा। शुगल हो गया, पूरा शुगल हो गया। आओ देखो फिर चला गया, भाग गया उधर। यार अजीब ही है ये। आ जाओ जी मेरे टर्की बर्ड्स, आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आते ही ना सबसे पहले गाइस इन्होंने मेरे पौधों के ऊपर हमला करना होता है, इसी वजह से मैं इनको ज्यादा निकालता नहीं हूँ। मेरे मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी गाइस। ये देखो ये वाला पौधा भी सारा टुक मारा है, ये भी टुक दिया है, इसको छोड़ा नहीं, इसको इसके ऊपर भी काम डाले हुए इन्होंने। और आगे दिखाता हूँ, ये तो सारे के सारे ना इन्होंने जाते सबसे पहले इनके लुक में लगाने होते हैं। अब उधर चला गया, ये काम चेक करो। यार मैं इनका क्या करूँ यार। ओए मामा कबूतरी, इधर 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 इधर। इसकी ना यार मुझे आंखें थोड़ी सी ना खराब लग रही हैं हमारी मामा कबूतरी की। भाईजान नज़ला हो रहा है, और रीज़न यही है कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। गाइज मेरे पास ना असल में आज ना टाइलोफर्सन साइमोस्ट्रेसमिनी पड़ी कि मैं इनको दे दूं, तो आज हमने लाजमी जाके ना साइमोस्ट्रेस और टाइलोफर्सन लेके आनी है, और फिर अपने सारे जानवरों को देनी है। आ जाओ जी आ जाओ, एपीज आ गए एपीज आ गए। गाइज हमारा मास्टर केज जितना गंदा हो ना यार, इसको भी मैंने साफ करना है। सारे ना असल में परिंदे जो है ना सारे के सारे वो क्रीजों में है। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये देखो कितने सारे पर इन्होंने झाड़ मारे हैं, और ये हमारी इस वाली मोरनी का काम है। और ये देखो इस मोर का और उस मोर का सारे पर झाड़ रहे हैं। पर अभी फिलहाल यार इनको हैप्पीज देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जा आगे। भाई जान कुछ भी नहीं छोड़ते इस बॉटल के अंदर, सारा कुछ चट कर जाते हैं। चलो। और यार पूरी गर्मियां जो था ना हमारे रोज और रॉय इधर ही बैठे रहते थे सामने, लेकिन अब यार निकलते ही नहीं है। और मुझे 100% श्योर है कि यार अब ये ब्रीडिंग करने के चक्रों में फिर रहे हैं, क्योंकि सितंबर आ रहा है और सितंबर में ना इनकी ब्रीडिंग शुरू हो जाती है, परिंदों की भी और जानवरों की भी। तो यार देखें क्या बनता है। इधर तो नहीं है, ये देखो गाइस दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। भाई जान फुल सीन ऑन है इनके, मुझे लगता है ये बेबी देने वाले हैं। आज मैंने पहली दफा इनको इकट्ठे बैठे देखा है एक ही घड़े के अंदर। चलो जी वो देखो सामने कैसे हमारा बजी बैठा हुआ है। और गाइस कल मैंने इस पूरे केज के अंदर ना
नए कंटेनर्स लगाए थे और देखते हैं क्या सीन चल रहे हैं नए कंटेनर में। अच्छा भाईजान दाना शाना इन्होंने खाया है इसके अंदर, देख रहे हो चैफ पड़ी हुई है, छिलके पड़े हुए हैं, उखाड़ के इन्होंने रखे हुए हैं। और ये देखो हमारे कैल्शियम ब्लॉक्स को भी इन्होंने मुंह लगाया, ये देखो कैसे कट हुए हैं। और सबसे ज्यादा तो इसके ऊपर किया है, काफी एलिवेशन पे लगा ना, तो मेरे ख्याल ये सबसे ज्यादा फेवरेट स्पॉट है इनका। और इसकी क्या पोजिशन है, हाँ भाई इसके ऊपर भी काम हो रहा है। और ये देखो इधर भी इन्होंने दाना शाना खाया, ये देखो ये देखो ये देखो कैल्शियम नीचे गिरा हुआ है। तो भाई जान हमारे जो तोतू है ना वो ऑफिशियली हमारे न्यू जो चीजें हमने ऐड की ना उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। आ जाओ जी मोला बख्श, चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो चलो जी चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो 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 चलो। अब इन सब कबूतरों में एक कबूतर मिसिंग है और वो है हमारा जैकी, उसको देखो ये कहाँ फिर रहा है। इधर आए हमारा गर्द, तुम कहाँ जाते हो गंदे बच्चे, तुम्हें चैनू मैनू नहीं है, तुम अपने फ्लॉक के साथ नहीं फिर सकते। इसको अपने फ्लॉक के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ मुझ में इंटरेस्ट है, ठीक है। और यही चीज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ, चलो भाग जो ओनी, चलो 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 यार मौला बख्श का भी ना आज इस पर असर नहीं हो रहा, चल 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 भाग जा भाग जा अंदर 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 अपने केज में, चलो चलो शाबाश 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 चलो चलो जी टर्की बर्ड तुम भी चलो अंदर, नीचे जाना है मैंने, चलो 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 शाबाश गोइंग टू योर केजेस गुड बच्चे। अच्छा गाइस कल के व्लॉग के अंदर हमारी हैचरी को आग लग चुकी थी, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। और कल मैंने अब्रप्टली व्लॉग को एंड कर दिया था क्योंकि मुझे जेवी भाई को बुलाना था और जेवी भाई कल आए थे रात को और उन्होंने बोला कि यार आपकी जो हैचरी है ना उसका ये जो मीटर है ना इसकी सारी की सारी वायरिंग अंदर से जली है, तब भी जाके ये सारी की सारी आग निकली है। तो हमने ऑर्डर कर दिया है, कम से कम कोई 3 से 4 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा, कराची से मंगवाया है ये वाला क्योंकि इसके अंदर पहले चाइना का लगा, आप जापानीज टेक्नोलॉजी मंगवाइए तो ये चेंज होगा तो फिर हमारी हैचरी जो होगी ना जेंगो हो जाएगी। और इसके जो अंडे हैं गाइज मैंने सारे निकाल के रख लिए हैं, हो सकता है कि मैं जो कॉर्डिलिया है ना उसी को इन अंडों के ऊपर बैठाऊं क्योंकि यार सीन जो है ना थोड़ा ऑफ हुआ है। और हाँ काफी सारे लोग कह रहे थे साशु इधर आओ सेट 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 कि जी साशा को आपने इंजेक्शन लगवाना है। अच्छा यार वो जो इंजेक्शन है ना उसको आइवरमेक्टिन कहते हैं और मैं आपको उसकी डोजेज बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देख के अपने डॉगीज को टीके लगाओ, बेहतर ये है कि आप अपने वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करो। बहरहाल साशा का जो इंजेक्शन है ना वो मैं डॉक्टर आवर से ले आऊंगा और मैं खुद लगाऊंगा आपके सामने कल के ब्लॉग में। ये देखो गाइज मैंने क्या तैयार किया है, कल मैं बैठा हुआ था तो रात को बैठ के ना मैंने नेस्ट वगैरह इनका तैयार कर दिया उसी घास से जो कि मैं लेके आया था। और अब हम ऑफिशियली अपनी गोल्डियन फिंचेस की ब्रीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं और ये जो है ना ये हम अपनी गोल्डियन फिंचेस को देंगे, भाई जान जेंगो हो जाएगा काम। अच्छा इसको नीचे करें और ये देख रहे हो मुंह, इसके मुंह को अरे क्या हो गया, कुपची कुपची गंदी बची कुपची पागल है यार ये क्रैक है। अच्छा इसको इधर लगाते हैं गाइज, हमने ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया अपनी गोल्डियन फिंचेस का और अब बस दुआ है कि यार ये जल्दी जल्दी सीटी हो दे। मुझे वो जो दुकान वाले भाई थे ना उन्होंने बोला था कि यार आप ये मौसम जो आ रहा है ना ये ब्रीडिंग का मौसम है, आप इनको कंगनी वगैरह देते रहो और ये अच्छी तरह ब्रीड कर देंगे। और ये जोड़ा लगा हुआ है जस्ट टू बी श्योर, ये देखो फीमेल उसके साथ ही बैठी होती है, अलहदा नहीं बैठी होती है, फुल ब्रीडर जोड़ा है। तो भाई जान बहुत जल्दी इनके भी सीटी वो आ जाएंगे, देखो कैसे चढ़ गई ऊपर, ये देख रहे हो सारी की सारी टाइलोफर्सन खत्म हुई है। तो यार इधर से निकलते हैं और जाके ना टाइलोफर्सन और साइमोसिस लेके आते हैं। चलो जी गाइस लेट अस गो, गाइस हम शॉप पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। अच्छा मुझे ना टाइलोफर्सन चाहिए और साइमोसिस चाहिए। टाइमो का बड़ा पैकेट नहीं पड़ा, साइमो नहीं पड़ी, चलो कोई नहीं स्टाइलो दे दो अभी फिलहाल, ठीक है। कितने का ये? 280। अच्छा गाइज ये टाइलोफर्सिन है और ये एंटीबायोटिक है और अगर आप हमारे चैनल को डे वन से फॉलो कर रहे हो ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ टाइलोफर्सिन देता हूँ और कोई एंटीबायोटिक नहीं देता, ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओके जी सर हाफिज, चलो यार गाइज लेट अस गो। चलो जी अपनी डब्बे को भरें यार, चलो जी हमारी टाइलोफर्सिन का कोटा पूरा हो गया गाइज। कल मैं इन सबको कोर्स करवाऊंगा और बहुत लाजमी है क्योंकि मौसम ऊपर नीचे जा रहा है और मेरे जानवर ना ढिले हो रहे हैं। अच्छा जी मेरे ओए ये खुला कैसे हुआ है? फ्रूटी फ्रूटी कहाँ पे? फ्रूटी ये निकल कैसे गए भाई? ओ तेरी खैर हो, ये क्या किया तूने?
हनी कहाँ पे है? गाइस मुझे लगता है इन्होंने ना हनी के ऊपर हमला कर दिया। ओए यार ये दरवाजा भी खुला हुआ है, तू इधर क्या कर रही है? साशा बाहर चल काट लेंगे। अबे यार ये क्या हो गया, तो मुसीबत। मैं हनी कहाँ पे है, हनी कहाँ पे है? ना फ्रूटी मिल रही है गाइस, ना हनी मिल रही। ओए ओए येरा तू इधर क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ा हुआ था और इसके मुंह में भी गाइस कुछ ना कुछ लगा हुआ है, मुझे लगता है इसके ऊपर भी अटैक किया है, लेकिन फ्रूटी नहीं मिल रही। इसको मैं जरा पकड़ के चेक करता हूँ, मुझे लगता है भाई जान इसके ऊपर ठीक ठाक हमला किया इन्होंने। इधर हनी, हनी इधर, हनी इधर। ये देखो सारे के सारे पार उखाड़ मारे हैं इसके। अंदर चल चल अंदर, बचत हो गई है। ये निकले कैसे हैं यार? हनी उसने मार देना तुझे। चल 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 अंदर। ये देखो इसने कैचर भी उतारा हुआ है और ये खुलेआम फिर रहा है, उसके पार खा रहा है। इधर आ टूटी, इधर आ इधर आ। यार फ्रूटी भी नहीं मिल रही गाइस, फ्रूटी पता नहीं कहाँ चली गई। ये शुक्र हमारा हनी सेफ है गाइस। ये दरवाजा खुला हुआ था, मुझे लगता फ्रूटी बाहर निकल गई है। बाहर जाके देखूं यार, कहीं बाहर ना चली गई हो। फ्रूटी फिर तो नहीं है, फिर मोटर पे देखता हूँ इधर पीछे ना घुसी हो। इधर भी नहीं है गाइस। यार ये क्या हो गया, दरवाजा पता नहीं कैसे खुला रह गया। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही मेरे नेवले निकले कैसे हैं बाहर। इधर आ इधर आजा, इसको पकड़ के ना अंदर करता हूँ। इधर आजा। एक किसको पकड़ लिया तूने? इधर चल अंदर, चल अंदर, भाग जा। यार ये निकल कैसे गए हैं गाइस, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। यार कोई हाल नहीं का, इसको खोला है गाइस। लगा रुको जरा मैं इसके ऊपर तार बांधता हूँ, लगाऊँ यार इसके ऊपर, इसको बंद करूँ मैं। यार फ्रूटी कहाँ पे है? यार टेंशन पड़ गई है, नीचे भी नहीं है कहीं भी। बाहर देखता हूँ, इधर देखता हूँ शायद इसके नीचे ना घुसी हो। इधर भी नहीं है यार, कहीं भी नहीं मिल रही। फ्रूटी इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है यार। गाइस लगता है फ्रूटी गुम हो गई है, लेकिन शुक्र हमारा हनी बच गया यार। मुझे ना अब ये ढूंढनी पड़ेगी यार, एक रोला मुकता नहीं दूसरा खुल जाता है मेरा। मुझे पता होना चाहिए था कि इन दोनों के पास दो दो हाथ हैं और इन अपने हाथों को इस्तेमाल करके ना इसको खोल सकते हैं। यार बस ध्यान में नहीं रहा मेरे। गाइस इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइस दुआ कीजिएगा कि हमारी फ्रूटी जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।